नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गांव किसान परिवार में स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी चर्चा मैंने पहले अपने जो वेबसाइट है kisandiary.com पे की थी कि हमारे गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है कृषि विभाग द्वारा, और उस पर जो जानकारियों का आदान प्रदान चल रहा है कि किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी चर्चा मैंने अपने वीडियो में नहीं की थी, मैंने अपने वेबसाइट पर की थी। ये प्रगतिशील किसान जो है ग्रुप बना लिया गया है, किसानों का ग्रुप। हो सकता है आपके यहाँ भी आपके कृषि विभाग ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हो, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बाहर चल रही है और ऐसे में आवागमन हो नहीं पा रहा है, और कृषि विभाग के लोग किसानों के समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे संपर्क जो नहीं बना पा रहे हैं। एक संपर्क साधने का एक जरिया ढूंढना है कि किसानों के मोबाइल नंबर लेके उस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस पर सभी सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, चाहे वो किस पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसकी हो, अगर किसी की सम्मान निधि नहीं आई तो वो उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या स्टेटस है, क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत, अगर उनमें आधार गड़बड़ है या उनकी पासबुक का कोई नंबर, खाता नंबर गलत है, तो वो उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर ज़िले का और हर स्टेट का अपना अलग अलग व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। मैं यूपी में हूँ तो यूपी का अलग है, और मेरा ज़िला जो है वो सीतापुर है तो सीतापुर का अलग नंबर है, और अलग हर गांव का अलग ग्रुप बना हुआ है, तो उस हिसाब से वर्क हो रहा है। और किसानों जिससे जो संवाद साधने का एक जरिया ढूंढ लिया गया है कि संवाद कैसे किया जाए, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया, इस पर अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था। अभी सारे किसानों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, ये भी एक कह सकते हैं परेशानी वाला सबब है कि ये भी सारे किसानों के पास फ़ोन नहीं, अगर फ़ोन है तो उनके पास रिचार्ज नहीं है, और अगर रिचार्ज भी है तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन और रिचार्ज दोनों नहीं है, और उनको ऑनलाइन या नेट की या व्हाट्सएप की कोई जानकारी नहीं है, तो इस चीज़ों की जानकारी नहीं। लेकिन मगर जितने किसानों के पास है उन किसानों को चाहिए कि उन किसानों से संपर्क करके वो चीज़ें शेयर करें, अगर उनको कोई जानकारी होती। जैसे मुझे भी कुछ दिन पहले जानकारी हुई थी कि धान का बीज और ढैंचा जो है वो छूट पे आ रहा है, 90% तक की छूट है, तो मेरे जानने वाले जितने भी किसान भाई थे मैंने उनको ये जानकारी दी जिनके पास फ़ोन नहीं था या ग्रुप से नहीं जुड़े हुए थे। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती तो आप अपने यहाँ के किसानों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी कोरोना वायरस के चलते खेती का किसानी के काम नहीं हो पा रहे हैं और किसान भाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार ने छूट दी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने आप अपने खेत पे जाके आप काम कर सकते हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और खरीफ फसलों की उत्पादकता को लेके गोष्ठी होनी थी, वो अब कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पा रही, तो इसके लिए उन्होंने जो राज्य स्तर पर अधिकारी या सचिव लेवल के लोग बैठे हैं तो उन्होंने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका मैसेज भी आ गया है, इसका लिंक आ गया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसकी सूचना आ गई है कि 11:30 बजे से 4 बजे तक की गोष्ठी चलनी है और ऑनलाइन होगी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक आ गया है, तो मैं 11:30 बजे से 4 बजे तक लाइव जाऊँगा। उस लिंक को आपको क्लिक करके अभी दिखाता हूँ मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर कि कैसे क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग का है। तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो हैं वो खरीफ की फसलों के बारे में बताया जाएगा। ये भी एक नया अनुभव है हम किसानों के लिए। अगर कोरोना वायरस ना होता तो ये बैठक जो है उसमें किसान बुलाए जाते और आमने सामने होती, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन ढूंढा गया किसानों से। ये देखो शुरू हो गई है, उसको हम लोग देख लेंगे ना, जो अभी 11:30 बजे होनी है, समय दिया जाएगा फिलहाल। अभी 11:30 बजे शुरू होनी है, सारे अधिकारी लोग बैठ चुके हैं, और ये एक नया अनुभव है। मैं इसको अपने मोबाइल को फिट करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ,
और आपको भी सुनाता हूँ क्या कुछ बताया गया है। नमस्ते सर, सहारनपुर प्रेजेंट है सर। सारे जी नमस्कार किसान दोस्तों, अभी भी गोष्ठी, किसान गोष्ठी चल रही है, मैं उसको बराबर वॉच कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आज ये 11:30 बजे शुरू होगी, 4:30 बजे तक चलेगी। और टाइम देख सकते हैं आप यहाँ घड़ी में, टाइम हो गया है 2:00 है और अभी भी बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, उनके अपने अपने सुझाव और उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं कृषि मंत्री द्वारा। तो काफी अच्छा तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में कुछ उपलब्धियां भी हाथ लग रही हैं, कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में किसानों के लिए काफी लाभान्वित होंगे। और आगे की गोष्ठी में देख लेता हूँ, फिर अपने ब्लॉग में लिखूंगा जो कि किसान डायरी ब्लॉग है, उस पर लिखता रहता हूँ। तो उसमें जानकारी इसकी कि क्या क्या लाभ इससे मिले और किसानों को क्या क्या सुविधाएं दी जाने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।